सिर्फ चार चैप्टर्स है, ठीक है। पांचवा चैप्टर जो होता है वो एडिशनल के तौर पे उसके कुछ टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपके पास सिर्फ और सिर्फ चार चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस पे टीएमपीसी के। एक चैप्टर थर्ड, एक चैप्टर फोर और चैप्टर फाइव का टार्क का पढ़ लें उसके साथ। बाकी जो है वो चैप्टर सेवन वर्क पावर और एनर्जी और उसके साथ चैप्टर एट, ठीक है, वेव मोशन जो होती है ये। और चैप्टर नाइन का जो है वो उसके कुछ टॉपिक्स जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है या डायफ्रेक्शन है, तो ये टॉपिक्स एडिशनली उसके साथ आपको पढ़ने होंगे। तो ये बहुत ही छोटा हमारा सिलेबस है फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का। हमारा जो इंटर का था वो पूरा तकरीबन इंटर शामिल था जो हमने कर लिया, अब इसके थोड़े। तो ये जो आज हम शुरू करेंगे तो पहले जो शुरू करेंगे वो सर्कुलर मोशन से शुरू करते हैं, क्योंकि हाफ एंट्री वाले भी आपके साथ हैं, उनको मैंने थर्ड चैप्टर और प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया है। आपको थर्ड चैप्टर और प्रोजेक्टाइल जो है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये जल्दी हो जाएगा। ये जो भी फर्स्ट ईयर का है तो इंशाल्लाह लास्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड और उसके साथ प्रोजेक्टाइल। अभी हम शुरू करेंगे जो है वो सर्कुलर मोशन से, ठीक है। और जो हाफ एंट्री वाले हैं बेटा, उनका सिर्फ लाभ कंजर्वेशन और मोमेंटम वगैरह रहे हुए वो मैं आज शाम आपको बता दूंगा, तो फिर यहाँ से आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। आज शाम का जो क्लास होगा उसके अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक्स है कंजर्वेशन और मोमेंटम और इलास्टिक पुली वो कर लेंगे हम, इसके बाद ये आगे कंटिन्यूटी हो जाएगी। तो हाफ एंट्री वालों के दो क्लासेस होंगे, एक सुबह में होगी एक शाम में भी होगी। तो बेटा सर्कुलर मोशन क्या होती है या सर्कुलर मोशन किसको कहा जाता है ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बेटा, ठीक है। देखिए बेटा सर्कुलर मोशन क्या होती है या सर्कुलर मोशन किसको कहा जाता है। सर्कुलर मोशन का मकसद है बेटा कि मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी सर्कुलर या रोटेशनल भी इसको कहा जाता है, रोटेशनल इफ इट रिवॉल्व्स इन सर्किल, इट रिवॉल्व्स इन सर्किल अराउंड अ फिक्स पॉइंट। किसी भी बॉडी की मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। अगर कोई भी बॉडी किसी भी फिक्स पॉइंट के बाहर सर्किल में रिवॉल्व करें, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी है वो सर्किल में रिवॉल्व करती है उसकी एक फिक्स पॉइंट होती है। इसमें दो तरह से हो सकता है बेटा, सपोज करें किस तरह से हो सकती है बेटा। अगर कोई भी बॉडी इस तरह से रिवॉल्व करती है, इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व कर रही है, इस तरह से ये बॉडी सर्किल में रिवॉल्व कर रही है और ये सेंटर इसका ये, ठीक है। अगर किसी भी फिक्स पॉइंट के बाहर कोई भी बॉडी इस तरह से रिवॉल्व कर रही है और ये इसका रेडियस है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं आर्बिटल मोशन, ठीक है। और दूसरा जो होता है कि अगर कोई भी बॉडी है जैसे कोई बाल है, ठीक है, वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है और सेंटर उसके अंदर है, जैसे बाल होता है कोई भी चीज होती है उसको हम कहते हैं स्पिन मोशन, ठीक है। ऑर्बिटल मोशन का मकसद है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड बॉडी, जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड बॉडी होती है। स्पिन मोशन का मकसद है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन
इनसाइड बॉडी। ठीक है, कोई भी चीज अगर धागे में बांध के इस तरह से आप रिवॉल्व करवाएं तो बॉडी जो होती है वो आपके हाथ के बाहर इस तरह से रोटेट करती है, आपका हाथ उसका सेंटर होता है। तो अगर सेंटर ऑफ रोटेशन बॉडी से बाहर है, जैसे अर्थ का है, अगर अर्थ को हम देखते हैं तो वो सन के बाहर रिवॉल्व करती है, तो अर्थ का सेंटर ऑफ रोटेशन सन के अंदर होता है, जो आउटसाइड अर्थ होता है। तो जब किसी भी बॉडी में सेंटर ऑफ रोटेशन आउटसाइड द बॉडी हो तो बॉडी की ऐसी मोशन को हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। जैसे व्हील होता है गाड़ी का, आप देखते हो तो व्हील गाड़ी का जो होता है उसके अंदर सेंटर ऑफ रोटेशन उस व्हील के अंदर होता है। तो अगर सेंटर ऑफ रोटेशन व्हील के बॉडी के अंदर हो तो बॉडी की ऐसी मोशन को हम कहते हैं कि ये रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये कौन सी है, स्पिन मोशन है। ठीक है, तो अगर बॉडी अपने अंदर किसी सेंटर के बाहर रोटेट करती है या बॉडी अपने बाहर किसी सेंटर के बाहर रोटेट करती है, किसी भी कंडीशन में अगर बॉडी रोटेट करती है तो उसको हम कहते हैं कि ये इसकी सर्कुलर मोशन है या इसकी ये रोटेशनल मोशन होती है। ठीक है, जैसे ये फेन है, हम जहां पे बैठे हैं यहाँ पे फेन चल रहा है, आप देखते हैं इस फेन के अंदर एक रॉड लगी हुई है और ये फेन इस रॉड के बाहर रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो फेन की मोशन है ये भी सर्कुलर है, या ये जो फेन की मोशन है ये जो है वो रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये रोटेशनल मोशन होती है। रोटेशनल मोशन को पढ़ने से पहले दो चीजें और भी आपके माइंड में होनी चाहिए बेटा। एक होता है सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन का मकसद है वो पॉइंट जिस पॉइंट के बाहर बॉडी रोटेट करती है उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट होती है। ये पॉइंट होती है जिस पॉइंट के बाहर ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है या ये इस तरह से स्पिन मोशन कर रही है। देखिए ये पैन की मिसाल ले लो, अगर पैन इस तरह से रोटेट कर रही है तो ये पैन बाहर रोटेट कर रही है, हाथ उसका कौन सा है, सेंटर ऑफ रोटेशन है और ये ऑर्बिटल मोशन है। लेकिन अगर यही पैन इस तरह से रोटेट कर रही है, अगर यही पैन इस तरह से रोटेट कर रही है बेटा इस तरह से, तो इसके सेंटर ऑफ रोटेशन ये और ये बॉडी के अंदर है, तो ये मोशन कौन सी हो जाएगी, स्पिन मोशन होगी। तो वो पॉइंट जिस पॉइंट के बाद बॉडी रोटेट करती है, बॉडी रिवॉल्व करती है, तो ऐसी पॉइंट को हम कहते हैं कि ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। दूसरा होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का मकसद है लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रोटेशन, थ्रू सेंटर ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मकसद है ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ रोटेशन से पास हो। इसके लिए बेहतरीन आपके पास मिसाल है फैन की। अगर आप फैन के इस तरफ देखोगे ऊपर लगा हुआ है, तो फैन की सेंट्रल पॉइंट जो होती है उसको सेंटर ऑफ रोटेशन कहा जाता है। आप देखेंगे इसके अंदर एक रॉड लगी हुई है और ये रॉड जो होती है ये एक लाइन की तरह है जो सेंटर ऑफ रोटेशन से गुजरती है, तो ये रॉड जो होती है इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा बुक दे दे, कोई भी बायोलॉजी दे दे। देखिए बेटा ये आपके पास बुक पड़ा है। ठीक है, अब अगर इस तरह से ये मैं लाइन बनाता हूँ पेन की तरह, तो ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये पेन जो होती है बेटा ये एक लाइन की तरह जो कहाँ से गुजरती है,
सेंटर ऑफ रोटेशन से गुजरती है। तो ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ रोटेशन से गुजरती है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है बेटा वो हमेशा प्लेन ऑफ द बॉडी से परपेंडिकुलर होता है। जैसे पेन के पर इस तरह से आप देखेंगे हॉरिजेंटली है, और उसके अंदर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये किस तरह से होता है, वर्टिकली होता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है विद द प्लेन ऑफ द बॉडी। तो दो चीजें जो है वो अक्सर इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो बार बार आ जाती है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दूसरा होता है कि ये सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन एक पॉइंट होती है, ऐसी पॉइंट जिसके बाहर कोई भी बॉडी रिवॉल्व करे सर्किल के अंदर उसको सेंटर ऑफ रोटेशन, और ऐसी लाइन जो उस सेंटर ऑफ रोटेशन से पास हो तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा। तो बेटा ये सर्कुलर मोशन की इंट्रोडक्शन है बेटा। अब ये जो सर्कुलर मोशन है जिस तरह से हमने बेटा ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ी है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, हाफ इंची के अंदर भी पढ़ा है और आपके पास भी जाहिर सी बात है आप इंट्री टेस्ट के हो तो आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रांसलेशनल मोशन होती है जिसके अंदर हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में होती है तो एक यूनिफॉर्म मोशन होती है और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी तरह से अगर कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है तो उसमें एक होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, तो पहले हम करते हैं बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मकसद है बेटा सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन कांस्टेंट बेटा। अब इसमें वेलोसिटी नहीं कहते, देखिए हम जब ट्रांसलेटरी मोशन होती है यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन जो होती है उसके अंदर हम कहते हैं मोशन इन विच वेलोसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म, क्योंकि जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में होती है लीनियर मोशन में होती है तो यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आती, न वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना ही वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, तो हम कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। सपोज करें कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी इसका डायरेक्शन ये हम लेते हैं जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी टेंजेंशियल, कि बॉडी इस तरह से मूव करने की कोशिश करती है लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्किल में मूव करवाती है, क्योंकि रोटेशनल मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो जब कोई भी बॉडी इस तरह से रोटेट करती है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वक्त मैग्नीट्यूड चेंज हो, लेकिन उसका डायरेक्शन हर वक्त तब्दील होता रहता है। इसलिए जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है तो उसकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट यूनिफॉर्म नहीं रह सकती। वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है जिसको हम स्पीड कहते हैं वो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी खुद कांस्टेंट इसके अंदर यूनिफॉर्म नहीं रह सकती, ठीक है।
क्योंकि जब कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के कंटिन्यूअसली चेंज होने की वजह से इसमें एक एक्सीलेशन भी आती है जिसको आगे डिस्कस करते हैं। तो आप कहेंगे बेटा कि जो सर्कुलर मोशन होती है उसके अंदर वेलोसिटी कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर यूनिफॉर्म नहीं रहती, वेलोसिटी जो होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है। ठीक है, वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हम कहते हैं कि ऐसी सर्कुलर मोशन जिसके अंदर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट सर्कुलर मोशन के अंदर नहीं कह सकते। सर्कुलर मोशन के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह सकती, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है। जैसे फैन अगर आप देख रहे हैं तो फैन के अंदर आप देखते हो कि अभी आप जहां पे भी बैठे हो वहां पे फैन चल रहा होगा, फैन की स्पीड न कम हो रही है न बढ़ रही है। तो ये जो फैन अभी जिस स्पीड से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, न उसकी स्पीड बढ़ रही है न उसकी स्पीड कम हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये फैन जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर इसी फैन के अंदर इसका बटन ऑफ कर दे, लाइट चली जाएगी, तो ये फैन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस फैन की अब मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये फैन डिसलरेट कर रहा है क्योंकि इसका रेट ऑफ रोटेशन कम हो रहा है। और अगर कोई फैन बंद है आप उसको चलाते हो, जब कोई फैन बंद होता है उसको आप चलाते हो तो वो उसकी रेट ऑफ रोटेशन फास्ट से फास्ट होती है, तो हम कहते हैं ये फैन अभी एक्सीलेट कर रहा है। तो ये कोई भी रोटेशनल मोशन के अंदर कोई भी चीज रोटेट करती हुई चीज एक्सीलेट कर रही है, डिसलरेट कर रही है, या वो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका फैसला आप वेलोसिटी से नहीं करते, उसका फैसला आप एंगुलर वेलोसिटी से करते हो। अब वो एंगुलर वेलोसिटी तो आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन सिंपल पैरामीटर ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी एक ही रेट से रोटेट कर रही है, एक ही रेट से अगर रोटेट कर रही है, ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना उसकी स्पीड कम हो रही है, तो हम कहेंगे वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लेकिन अगर किसी भी बॉडी का रेट ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है, वो फास्ट से फास्ट हो रही है, या किसी भी बॉडी का रेट ऑफ रोटेशन कम हो रहा है, वो स्लो से स्लो हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आप इसके अंदर कहोगे कि इसके अंदर रेट ऑफ रोटेशन, ठीक है, रेट ऑफ रोटेशन रिमेन कांस्टेंट। बेटा रेट ऑफ रोटेशन जो होता है वो इसके अंदर कांस्टेंट रहता है, ना इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है। और दूसरी जो मोशन होती है बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन है ये क्या होती है, या ये किसको कहा जाता है, इसको आप कहोगे मोशन इन विच रेट ऑफ रोटेशन या स्पीड या उसकी स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिवॉल्यूशन या रेट ऑफ रोटेशन जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकती है और सर्कुलर जो मोशन हो सकती है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकती है बेटा। ठीक है, अब जिस तरह से कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में मूव करती है तो उसका डिस्टेंस भी होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर मूव करती है तो उसका डिस्टेंस भी होता है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। इसको एक बार थोड़ा मैं डिस्कस करता हूं, फिर चलते हैं वापस जो है वो रोटेशनल मोशन की तरफ।
देखिए बेटा, सपोज करें एक बॉडी है जो इस तरह से मूव करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सपोज करें ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए। अगर कोई भी बॉडी यहां से इस तरह से मूव करके पॉइंट ए से बी की तरफ आ जाती है बेटा, तो ये जो बॉडी होती है, ये जो बॉडी डिस्टेंस तय करती है बेटा, इसको हम कहते हैं बॉडी का डिस्टेंस, जिसको हम एस से जाहिर करते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि बॉडी की ये पोजीशन तब्दील हो जाती है, तो ये जो बॉडी का हो जाता है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जब कोई भी बॉडी पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करती है तो ये डिस्टेंस तय करती है, उसके नतीजे में उसकी पोजीशन तब्दील हो जाती है, और उसकी पोजीशन की तब्दीली को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है वो काज होता है, डिस्प्लेसमेंट उसका इफेक्ट होता है। अगर बॉडी डिस्टेंस तय करेगी तो ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, बगैर डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। आप कहेंगे डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, ठीक है? जो नया बुक है उसके अंदर ये नई चीज एक इंट्रोड्यूस की गई है, एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो ना हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बगैर डिस्टेंस के नहीं हो सकता, लेकिन डिस्टेंस बगैर डिस्प्लेसमेंट के हो सकता है। जैसे ये कि फॉर एग्जांपल पॉइंट ए भी वही, पॉइंट बी भी वही, बॉडी इस तरह से घूम फिर के उधर आ गई। डिस्टेंस तो होगा, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो है, ठीक है? तो कोई भी बॉडी जब ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होती है तो डिस्टेंस जब वो तय करती है तो उसके नतीजे में क्या उसको मिल जाता है? डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। तो डिस्टेंस काज होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उसका इफेक्ट होता है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा, नए बुक के अंदर ये चीज आई है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को डिस्कस किया हुआ। अब यहां पे इसी तरह से होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? देखिए सपोज करें बेटा, ये हमारे पास एक सर्किल है और ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है बेटा, ठीक है? अब एक बॉडी है जो पॉइंट, ये इसकी पॉइंट ए है बेटा, ठीक है? ये पॉइंट ए है। अब ये बॉडी अगर पॉइंट ए से मूव करके जाती है पॉइंट बी तक बेटा, सपोज करें ये पॉइंट ए से बॉडी ने मूव किया और ये पॉइंट ए से बॉडी मूव करके कहां पे चली गई? पॉइंट बी पे बेटा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब ये यहां से लेकर यहां तक ये जो होता है, ये पॉइंट ए से बी तक ये इस बॉडी ने डिस्टेंस तय किया बेटा, ये बॉडी ने डिस्टेंस तय किया, और ये डिस्टेंस जो होता है इसको हम कहते हैं अर्क लेंथ, इसको हम कहते हैं सर्किल का छोटा हिस्सा जो होता है उसको अर्क कहते हैं, ठीक है? तो जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है और वो पॉइंट ए टू बी जाती है सर्किल के ऊपर, तो इसका ये जो रेडियस बनता है, ये जब बॉडी यहाँ पे है तो ये इस तरह से इसका रेडियस R1 है, जब ये बॉडी यहाँ पे आ जाती है तो इसका रेडियस R2 हो जाता है। अब आप सोचोगे कि रेडियस तो वही सेम है तो आपने R1 और R2 क्यों लिखा है? बेटा रेडियस पोजीशन वेक्टर है, रेडियस पोजीशन वेक्टर है, रेडियस वेक्टर पॉइंट टी है। जब बॉडी पोजीशन ए पे है तो इसका पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, जब बॉडी पोजीशन बी पे चली गई रेडियस इस तरफ हो गया, पोजीशन वेक्टर तब्दील हो गया। देखिए ये इस तरह ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है, इसलिए मैंने R1 और R2 और मैंने वेक्टर पॉइंट टी लिखा है। यहाँ पे रेडियस इज पोजीशन वेक्टर
और रेडियस इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस। ये जो होता है वो सेंटर से अवे इसका डायरेक्शन होता है, जो रेडियस होता है उसका डायरेक्शन ऑलवेज सेंटर से अवे होता है। जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व कर रही होती है तो रेडियस का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, रेडियस इज नॉट कांस्टेंट। रोटेटिंग बॉडी का रेडियस कांस्टेंट नहीं होता, जिस तरह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, इस तरह से रोटेटिंग बॉडी का रेडियस कांस्टेंट नहीं होता। रेडियस यहाँ पे ये डायरेक्शन है और रेडियस का यहाँ पे ये डायरेक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आर वन और आर टू लिखा है। तो ये जो रेडियाई जो होते हैं ना, दोनों के दरमियान एक एंगल बन जाती है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है और वो सर्कमफेरेंस पे डिस्टेंस तय करती है, देखें ये बॉडी यहां से लेकर यहां तक रोटेट किया, तो बॉडी ने डिस्टेंस कहां पे तय किया है, सर्कमफेरेंस पे। उसके नतीजे में उसके पोजीशन वेक्टर की जो तब्दीली होती है, उस पोजीशन वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन जाती है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। बात वही सेम है कि जब बॉडी डिस्टेंस तय करती है उसके नतीजे में जो पोजीशन तब्दील होती है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जब कोई भी बॉडी सर्किल में सर्कमफेरेंस के ऊपर डिस्टेंस तय करती है तो उसके नतीजे में जो पोजीशन वेक्टर के अंदर तब्दीली आती है, पोजीशन वेक्टर के अंदर जो तब्दीली आती है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। दोनों का कॉज कौन सा है, डिस्टेंस। अगर ये बॉडी ए से बी की तरफ मूव नहीं करती तो ये एंगल बनती नहीं बनती, ठीक है, ये एंगल नहीं बनती। इसका मकसद है इस एंगल के बनने की वजह भी कौन सा है, अर्क लेंथ। और अर्क लेंथ क्या है, सिंपल डिस्टेंस है। तो अगर कोई भी बॉडी सर्किल में डिस्टेंस तय करती है तो उसके नतीजे में जो उसके पोजीशन वेक्टर के अंदर तब्दीली आती है, पोजीशन वेक्टर के अंदर तब्दीली जो होती है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यहाँ पे भी वही है कि जब बॉडी पोजीशन एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करती है, जो डिस्टेंस तय करती है, उसके डिस्टेंस के तय करने के नतीजे में जो पोजीशन में तब्दीली आती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एक ही बात है, कोई डिफरेंट चीज नहीं। ये डिस्प्लेसमेंट इस सूरत में है, ये डिस्प्लेसमेंट एंगल की सूरत है, ठीक है। तो ये होता है, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मकसद है एंगल। अब इसकी मैं डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेता हूं कि एंगल एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल बाय 2 रेडियाई इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये भी देखिए लीनियर क्वांटिटी है, लीनियर क्वांटिटी की वजह से एंगुलर क्वांटिटी आती है। इसको एंगुलर पर लीनियर डिस्टेंस, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर क्वांटिटी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है लीनियर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों का काज कौन सा है, दोनों का काज वही डिस्टेंस। जब कोई भी बॉडी लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जो ट्रांसलेटरी डिस्टेंस तय करती है उसकी वजह से इसको ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट मिलता है। जब कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन के अंदर डिस्टेंस तय करती है, अर्थ के ऊपर जब वो मूव करती है, डिस्टेंस तय करती है, पॉइंट ए टू बी जाती है, तो उसके नतीजे में जो उसके पोजीशन वेक्टर के अंदर एंगल बनती है उस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों का काज कौन सा होता है, डिस्टेंस होता है। ट्रांसलेटरी मोशन में भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सबब बनता है, रोटेशनल मोशन के अंदर भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सबब बनता है। इसमें पोजीशन की तब्दीली डिस्प्लेसमेंट है, इसके अंदर पोजीशन वेक्टर की तब्दीली जो होती है, पोजीशन वेक्टर मींस पोजीशन,
पोजीशन वेक्टर तब्दील हुआ, पोजीशन वेक्टर तब्दील हुआ मतलब पोजीशन तब्दील हुई ना, पोजीशन वेक्टर करता क्या है, पोजीशन वेक्टर शोज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट। ये पोजीशन वेक्टर बताता है कि पॉइंट जब ए पे बॉडी है तो वो सेंटर से ईस्ट की तरफ है, और जब ये पॉइंट बी पे चली जाती है तो ये पोजीशन वेक्टर बताता है कि पोजीशन बी पे ये बॉडी ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान, तो दोनों पोजीशन वेक्टर तो डिफरेंट है ना, ये पोजीशन वेक्टर ईस्ट की तरफ है और ये कौन सा है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान। तो जब कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन के अंदर पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाती है तो इसके पोजीशन वेक्टर के अंदर जो तब्दीली आती है, जो एंगल की सूरत में जाहिर होती है, तो एंगल की सूरत में जाहिर होती हुई पोजीशन वेक्टर की जो तब्दीली है, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम मेयर कैसे करोगे, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्टेंस ओवर रेडियस, ठीक है। देखें लीनियर डिस्टेंस आ रहा है ना इसके अंदर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, या कर सकते एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये जो होता है ये आपको रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, रिलेशन रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटी में, लीनियर क्वांटिटी के दरमियान ये आपको रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये लीनियर क्वांटिटी है बेटा, लीनियर क्वांटिटी डिस्टेंस बेटा, ये लीनियर क्वांटिटी डिस्टेंस है बेटा, ये एंगुलर क्वांटिटी है, ये एंगुलर क्वांटिटी है बेटा, और ये डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर क्वांटिटी है और ये एंगुलर क्वांटिटी है। ये आपको रिलेशन बताता है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी। ये आपको बताता है कि अगर लीनियर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपको रिलेशन बताता है बेटा, एस इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा, और रेडियस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। रेडियस का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, रेडियस रोटेटिंग बॉडी का रेडियस कम ज्यादा तो नहीं होता ना, तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा इफ आर जो है वो कांस्टेंट है, आर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि एज अ वेक्टर ध्यान में रखिएगा कि आर पोजीशन वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि रेडियस एज अ वेक्टर कांस्टेंट है, रेडियस एज अ वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, रेडियस एज अ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। रेडियस का मैग्नीट जैसे आप कहते हैं ना रोटेशनल मोशन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, लेकिन आप कहते हो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी सॉरी स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट का मकसद क्या, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो इसी तरह से जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर होती है तो सर्कुलर मोशन के अंदर उसका रेडियस कांस्टेंट नहीं होता बेटा। हाफ इंची वालों का जो है वो आपका होगा पेपर होगा, हैदराबाद बोर्ड का आप चले जाए, रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। तो ये होगा बेटा कि रेडियस एज अ वेक्टर जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होता रहेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हाफ एंट्री वाले बेटा वाले पेपर पे चले जाए, हैदराबाद बोर्ड वाले आपको रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, ठीक है। तो ये होगा बेटा, आप इसके अंदर कहोगे कि नोट रेडियल वेक्टर पोजीशन वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों के अंदर। ठीक है,
जबकि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल वेक्टर में भी कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर रेशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर रेशन। इसका डायरेक्शन देखें, रेडियस का डायरेक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, तो एंगुलर मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही रोल प्ले करता है जो लीनियर मोशन के अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट तय करता है। बेसिक क्वांटिटी है, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट बुनियाद है, ये डिस्टेंस बुनियाद है, रोटेशनल मोशन के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट बुनियादी चीज है, रोटेशनल मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिक क्वांटिटी है एज कंपेयर टू द ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का काज एक ही है, और वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस इस मोशन के अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर क्या पैदा करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। बेटा अब इसका यूनिट देखते हैं बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा थीटा, थीटा इज इक्वल टू बेटा एस अपॉन आर, और इसका यूनिट जो होता है बेटा रेडियन है, इसका यूनिट रेडियन है बेटा। ठीक है, इस तरह से, और वन रेडियन कितना होता है बेटा, वन रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री बेटा, क्योंकि कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है तो एंगल के नाल्सो भी मेयर्ड इन डिग्रीज बेटा। अगर कोई भी बॉडी ए टू बी जाती है और ये जो एंगल तय करती है थीटा, अगर थीटा 57.3 डिग्री होती है तो हम कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 रेडियन होगा बेटा। और ये एक रेशियो है बेटा, ये कोई फिजिकल यूनिट नहीं होता, रेडियन फिजिकल यूनिट नहीं है, रेडियन रेशियो है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, एस अर्क लेंथ मीटर के अंदर मेयर की जाती है, रेडियस आर रेडियल लेंथ वो भी मीटर के अंदर मेयर की जाती है, रेशियो, ये इस रेशियो का नेम है। रेडियन को यूनिट कहने से बेहतर है रेडियन को एक रेशियो का नेम समझो, जैसे हर इंसान का अपना नेम होता है ना, इंसान तो सब एक जैसे होते हैं लेकिन उन सबका नेम होता है, नेम सिर्फ पहचान के लिए होता है कि ये वो बंदा है वो बंदा है, तो इसी तरह से इस रेशियो को पहचान करने के लिए कि हम कहते हैं 1 रेडियन तो हमें पता लगे कि ये एस और आर के दरमियान वाला रेशियो है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो भी एक रेशियो का नेम है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तब हमें पता है ये तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान जो रेशियो होता है ना उसका नेम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये रेशियो का नेम है, ये यूनिट से ज्यादा आप इसको रेशियो कह लें और ये फाइनल आंसर के अंदर नहीं आता, ये फाइनल आंसर के अंदर नहीं आता, रेडियन है डज नॉट अपियर इन फाइनल आंसर, क्योंकि ये रेशियो का नेम है बेटा। ठीक है, कैसे नहीं आता, सपोज करें ए से 1 मीटर, सॉरी सपोज करें कि आर है बेटा इज इक्वल टू 2 मीटर और थीटा है 3 रेडियन, अगर आपसे पूछा जाए एस कितना है, कैलकुलेशन के अंदर जब आप करोगे एस इज इक्वल टू आर 2 मीटर इंटू 3, यहाँ पे रेडियन नहीं लिखोगे, एस इज इक्वल टू 6 मीटर, क्योंकि अगर कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पे आपने रेडियन लिखा ना तो जवाब आ जाएगा मीटर इंटू रेडियन, और इसका यूनिट तो मीटर इंटू रेडियन नहीं होता, इसलिए रेडियन को कैलकुलेशन के अंदर नहीं लाया जाता, ये जस्ट हमें याद करवाने के लिए दिया जाता है कि आपने इसको इस तरह से यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आखिरी बात आज की, कि जो है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल,
वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेस देन 5 डिग्री हो, इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड थीटा ग्रेटर देन 5 डिग्री इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर भी है और वेक्टर भी है। जब ये बहुत छोटा होता है तो ये वेक्टर होता है, ऐसे कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, वेरी स्मॉल होता है, इस तरह से ए और बी अगर एक दूसरे के करीब है, तो ये अर्क लेंथ जो ए से, ये सीधी डिस्प्लेसमेंट भी बन सकती है, क्योंकि अर्क लेंथ जो होती है वो कर्व्ड नहीं होती। लेकिन जब ये इस तरह से ज्यादा होता है, ए है और ये बॉडी बी पे, तो ये इसका अर्क लेंथ ये होती है और डिस्प्लेसमेंट ये, तो ये दो चीजें डिफरेंट हो जाती। फिर इस और इस बराबर नहीं होते, इसलिए जब लेस देन 5 डिग्री होता है तो इस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते, सीधा होता है तो वेक्टर है, और ग्रेटर देन 5 डिग्री होता है तो स्केलर होता है। अब यहाँ पे एक और चीज भी लिखनी है कि थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन व्हेन एस इज इक्वल टू आर। अगर कोई भी बॉडी है वो इस तरह से रोटेट करती है, अगर उसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, और वो बॉडी जो अर्क लेंथ तय करती है ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन आर इज इक्वल टू 1 रेडियन। इसका मतलब है कि जब कोई भी बॉडी 57.3 डिग्री तय करेगी, तो जितना रेडियस होगा उतना क्या हो जाएगा, उसका अर्क लेंथ हो जाएगा। ठीक है, जब कोई भी बॉडी 57 डिग्री तय करेगी ना, अगर उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी अर्क लेंथ 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और अगर उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी अर्क लेंथ भी 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब आप सोचोगे एक बड़ा एक छोटा कैसे होता है। देखिए इसको, देखिए कि अगर इस तरह से एक छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है, इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट ए है और इसके सामने, इसके ऊपर भी एक पॉइंट ए है, ये बाल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है, इसका रेडियस ये और इसका रेडियस ये, ठीक है, इसकी थीटा ये, इसकी अर्क लेंथ ये। अब बड़ी बॉडी देखें, सेंटर दोनों का सेम है, इसका रेडियस बड़ा, जब ये आई पॉइंट बी पे, तो इसकी अर्क लेंथ भी क्या हो गई, अर्क लेंथ भी बड़ी हो गई, और इसकी एंगल वही है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, सेम है। आप ये नहीं कहिएगा ये यहाँ पे छोटी है, ये यहाँ पे बड़ी है, ऐसे नहीं, एंगल सेम है, S1 छोटा है, S2 क्या है, बड़ा है। जब रेडियस बड़ा होगा तो S भी बड़ा हो जाएगा, जब रेडियस छोटा होगा तो S भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए अगर कोई भी बॉडी 57.3 डिग्री तय करती है, तो उस वक्त उसका रेडियस और अर्क लेंथ क्या हो जाएंगे, बराबर हो। तो जब कोई भी बॉडी अपने रेडियस के बराबर अर्क लेंथ तय करे, तो हम कहेंगे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 रेडियन। कल डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी।